उदयपुर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर वल्लभ नगर के पूर्व विधायक ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली है, भाजपा में वह शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से वह भाजपा से अलग होकर के जनता सेना का निर्माण किया था। कम से कम 11 साल तक जनता सेना में रहने के बाद रणदीप सिंह भिंडर ने आज जयपुर स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में भाजपा ज्वाइन कर ली है। यह उनके लिए हर्ष का विषय है और उन्होंने यह कहा है, 11 साल के वनवास के बाद मैं पुनः भाजपा में लौट गया हूँ। मेरे सभी लोग भाजपा के ही लोग हैं, अब मैं भाजपा में रह करके निष्ठापूर्वक कार्य भी करूंगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व विधायक रणदीप सिंह भिंडर ने। इसी के साथ वल्लभ नगर में खुशी का माहौल है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय सीपी जोशी साहब, आदरणीय भाईसा दिया कुमारी जी, हमारे प्रभारी रोहितकर जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब, राठौड़ साहब और सम्मानित मंच, 11 साल का मेरा वनवास था जो आज पूरा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और उसी हैसियत से खूब काम किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण मुझे अलग जाना पड़ा और एक पार्टी बनाई जनता सेना। मेरे क्षेत्र में प्रधान चेयरमैन वगैरह जनता सेना के ही हैं। आज उन सब के साथ हम वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ये जो नेता बैठे हैं इनके साथ मैंने खूब काम किया है और आशा करता हूँ कि इन नेतृत्व में पुनः काम करने का मौका मिलेगा। मुझे तो पता नहीं था, आज अचानक सीपी जोशी साहब का फ़ोन आया कि आपको पार्टी के कार्यालय आना है और हम आप लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो सहज ही इन्होंने कह दिया और हमने भी सहज रूप से स्वीकार इसलिए किया कि मेरे साथ जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग 11 साल तक संघर्ष करते रहे लेकिन कांग्रेस में नहीं गए और हमने अलग अपना मोर्चा बनाए रखा। आज पुनः उस मोर्चे को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं और बड़ी खुशी है और आशा करता हूँ कि इन सब नेताओं का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद।